एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये स्लोगन चला। चुनाव में प्रचंड जीत हुई और अब जब सीएम का नाम सामने आना था तब पता चला कि मोदी के मन में तो मोहन थे। अब एमपी के जो मन में मोहन हैं उनके शिष्टाचार की भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह, जुड़ गए हैं आप बुंदेली दर्पण में। 11 दिसंबर का वह दिन जब भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद सीएम की रेस में शामिल तमाम दिग्गजों को दरकिनार करते हुए अचानक उज्जैन दक्षिण से विधायक और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर मोहन यादव का नाम सामने आया कि वो मध्य प्रदेश के अगले सीएम होंगे। इस फैसले ने सभी को चौंका दिया था। अब ये बात और है कि सीएम की रेस में शामिल तमाम दिग्गजों के नाम के अलावा हर किसी को यह भी उम्मीद थी कि कोई भी चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज उज्जैन दक्षिण के विधायक डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे और तमाम दिग्गजों के अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने भोपाल पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने तमाम दिग्गजों को दरकिनार करते हुए मध्य प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव को सौंपने के पहले उनमें क्या खूबियां देखी, यह तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही जानता होगा। लेकिन नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक खूबी सभी को बेहद भा रही है और वह है उनका शिष्टाचार। जी हां, सूबे के नए मुखिया मोहन यादव की शिष्टाचार की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां उनका पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता से लेकर दिग्गजों से मुलाकात के दौरान गजब का शिष्टाचार देखने को मिला है। अपने तो अपने भाजपा के धुर विरोधी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जब उनसे मिलने पहुंचे तो सीएम मोहन यादव ने न सिर्फ पूरे शिष्टाचार से झुककर उन्हें अभिवादन किया बल्कि उनके साथ बैठकर बातचीत भी की। जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने की घोषणा हुई तब से लेकर अब तक लगातार जो भी छोटा बड़ा कार्यकर्ता उनसे मिलने उन्हें बधाई देने पहुंचा है, पूरी सादगी से डॉक्टर मोहन यादव ने उनसे मुलाकात की है, तो वहीं वे खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और पूरी विनम्रता से पैर छूकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह का आशीर्वाद भी लिया। इसके अलावा नवनियुक्त सीएम ने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से उनके निवास पर पहुंचकर उनसे सौजन्य भेंट की। भाजपा के दिग्गज नेता गोपाल भार्गव से भी उनके निवास पर पहुंचकर मुलाकात की और उनका मार्गदर्शन लिया। विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए नरेंद्र सिंह तोमर, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा से भी डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीते हुए दिग्गज नेताओं से डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की हो, बल्कि उन्होंने जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा व नवनियुक्त विधानसभा सदस्य नीना वर्मा के निवास पर पहुंचकर उनसे सौजन्य भेंट की है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के निवास पर भी पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव और उनसे भेंट कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री उत्तम मिश्रा के निवास पर भी पहुंचे और वहां भी उनसे डॉक्टर मोहन यादव ने सौजन्य भेंट की है। तो नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन तमाम दिग्गजों से लगाकर कार्यकर्ताओं से भेंट की। जो उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखलाई हैं उनमें नए सीएम की विनम्रता और शिष्टाचार साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब जब वे मुख्यमंत्री हैं तो उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पुराने दिग्गज साथियों से लेकर नए साथी हों या फिर भाजपा के पूर्व के अनुभवी नेता हों या फिर विपक्षी दल के कमलनाथ ही क्यों ना हों, हर नेता से मुलाकात के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को न सिर्फ यथा उचित अभिवादन कर सम्मान किया बल्कि अपने शिष्टाचार से सभी को प्रभावित भी किया है। आज सूबे के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आने वाले समय में वह शासन को चलाने में कितने अव्वल होते हैं यह तो उनकी कार्यप्रणाली देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा, लेकिन फिलहाल विनम्रता और शिष्टाचार के मामले में डॉक्टर मोहन यादव को अव्वल ही कहा जाएगा। तो फिलहाल की चर्चा में इतना ही। दीजिए मुझे यानी राजेंद्र सिंह को इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ। नमस्कार।